वहाँ पे कहीं जा सकते हैं क्या हम? नहीं भाई, क्यों? खतरनाक है नहीं, बट अभी कोई खतरा है क्या? खतरा है, ये रहा है। अभिषेक पकड़ भाई, पकड़ भाई यार हमारा भाई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो कुछ डरावना शूट होने वाला है मेरे भाई, वाइड एंगल में लगा लेना, ठीक है? बढ़िया दोस्तों, जैसे कि मेरे साथ में है मेरा अभिषेक भाई और ये है अपने बेवा भाई, जो पिछले ब्लॉग में थे भाई, वही वाले बेवा भाई है अपने, और ये हमारा भाई पिछले वीडियो वाले बेवा भाई है। दो वीडियो बन रही है और क्या क्या पता कौन तीनों में से कौन वापस आएगा कौन नहीं आएगा। जहाँ पर भी हम जाने वाले वो बहुत डेंजर जगह है गाइस, लोगों का मानना है कि वहाँ पर आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया, और आज अगर हम वहाँ से वापस आ जाते हैं भाई तो बहुत बड़ी बात ये बात होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़ी वाली बात होने वाली है। तो गाइस हम अपने लोकेशन में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे हमें अभी एक अंकल जी मिले, उनसे हम पूछते हैं क्या होने वाला है। जा सकते हैं क्या हम? नहीं भाई, क्यों? खतरनाक है, खतरनाक है भाई, अंकल जी कह रहे खतरनाक यार। चलें कि नहीं? अरे कोई ना, चलते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, ट्राई करके। हनुमान चालीसा आते हैं गाइस, अंकल जी तो यहाँ पे आगे जाने से मना कर रहे हैं हमको, लेकिन हमको जो है ना अपनी वीडियो को बनाना है तो हम तो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर जिगर है और हमारे साथ आपका प्यार भी। भाई हम लोग आगे चलते तो जा रहे हैं पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, और हमें गाइस कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, हम वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, पर बाकी हम अपनी हिम्मत करके जा रहे हैं। तो भाई आज से पहले बहुत ब्लॉग शूट किए पर आज जो हम शूट करने वाले हैं वो कुछ अलग ही है गाइस, देखो यार क्या। तो अब से भाई अभी कितना टाइम और लग जाएगा हमको पहुंचने में? ज्यादा दूर नहीं भाई, उधर वो वाले दिख रहा, देखो गाइस यहाँ पे अभी मतलब कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब शाम होते ही सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं भाई, यहाँ पे बस एक घर है, बस कोई नहीं दिखता है, बस यहाँ पे एक फैक्ट्री है, वो भी भाई 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, बिल्कुल सुनसान हो जाता है एकदम। भैया यहाँ पे जो संतान घाट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कई सारे लोगों की हत्या हो गई, यहाँ पे तो गाइस जैसे कि हम आप चुके हैं अपनी लोकेशन पे, बिल्कुल देख सकते हो, इसके अंदर रह गाइस भूतों का काफिला, इसके अंदर चलेगी एकदम रियल वाला गाइस, आज तक किसी ने सोची ना होगी इतना रियल वाला है भाई, देखने में तो गाइस ये छोटी सी जगह है पर यहाँ के कारनामे काफी बड़े बड़े हैं। देखो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे समाधि है चारों तरफ। अंकल जी हम यहाँ पे आ तो गए हैं बट अभी कोई खतरा है क्या? खतरा है, यहाँ पे हम लेट आए थोड़े से, तो मतलब खतरा पक्की बात है, खतरा है, तो क्या करें हम, जाना चाहिए क्या? हमें लोग जलाए नहीं जाते, गाड़े जाते हैं, अगर किसी की भी जो समाधि वगैरह जहाँ लोग गड़े हुए हैं और वहाँ पर अगर आपका पैर पड़ता है ये तो सामने वाले की आत्माओं को दुख पहुँचाने जैसी बात होती है, तो आपको वहाँ तक जाना है, बस जा नहीं सकते, आप जा रहे हो तो हम वहाँ जा रहे हैं, बस दिखा सकते भाई गाइस, हमारा टास्क है बस वहाँ तक जाने का, और भाई बोल रहा है कि यहाँ तक खतरा भी हो सकता है, हमें जाना है ये काम करके जाना, वरना हमारी पब्लिक जो है संतुष्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो हमें वहाँ तक जाना है आगे तक, भाई मेरे भाई डरो मत, वैष्णो भी बड़े लोग या बच्चे जो भी होते हैं जमीन में गाड़े जाते हैं यहाँ पे, तो अगर वो अगर अरे काम का साइड इफेक्ट भी पड़ता है, भगवान जी का नाम लेके किनारे किनारे चला, भगवान जी यहाँ पर अल्लाह चलता है, तो क्या करना चाहिए तुम बताओ यार, हम यहाँ पे आए वीडियो बनाने तो हम बना के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना भाई? वीडियो तुम यार फिर तुम क्यों नहीं चल रहे फिर? नहीं, भाई यार हमारा भाई वैसे ही परेशान हो जाओ,
तो हम डर गया क्या? डर गया बस इतनी थी भाई हमसे। आप तो गाइस हमें अकेले ही आगे जाना पड़े, मैं और बेबी भाई दोनों लोग जा रहे हैं अकेले, और अब से भाई यहाँ पे ही रुकेगा, उसे डर ये सवाल है मजाक से हटके। चलो अभिषेक आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस यहीं तक जाएंगे ज्यादा। अगर हम जिंदा बचे तो वीडियो कल आ जाएगा, और नहीं बचते भाई हैं। ऐसी बात कर रहे हो, बचेंगे नहीं क्या? हम आदमी भाई, अपने माँ बाप भाई कोई पता नहीं। माय मॉम इज वेटिंग फॉर मी यार, क्यों नहीं, क्या कह रहे हो? आ जाओ भाई, वो बात तो ठीक है, पर यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ आज तक जो आया है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, या तो वो महीने दो महीने बीमार पड़ जाता है, या काफी ज्यादा मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसके घर में कुछ हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी डली हुई है, बदबू भी आ रही है खास पूरा भाई, और यहाँ चारों तरफ समाधि है, देखो ये रही वो साइड में। तो गाइस अभी थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, तो हमारा मतलब वीडियो ठीक से नहीं बन पा रही, बाकी आप मैनेज कर लेना जो भी है। क्या नाम है उसका? अभिषेक नाम है भाई। भाई सारा कुछ ठीक है भाई, पीछे दिखा दो थोड़ा सा, पीछे दिखा। भाई कहाँ गया, भाई कहाँ गया अपना? ओ अभिषेक, 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 वेयर आर यू? अरे यार जी यही तो यार जी, बेकार लाए हम जाए। और क्या भाई यार, कहाँ गया ये अभिषेक? अभिषेक, अभिषेक यार, ये लड़का यार हमें बेकार लाए से है। हाँ भाई सच में यार, ये काफी यार, वैसे भी दिमाग खराब हो रखा है, वापस जाना पड़ रहा है, वहां तक जाना था बस गायब हो गया। अभिषेक अरे आजा भाई, वीडियो के टाइम पे मजाक नहीं यार, मजाक मत कर यार, तू जहाँ पर भी हो आजा। अभिषेक अभी तो यहीं था यार, ये क्या ड्रामा कर रहा है, मेरे को गुस्सा हो रहा है। अबे यार यही तो यार, यही तो छोड़ के गया था अभी भाई, बेकार लाए हम उसको भाई, लाना नहीं था यार ये बड़ा बेकार भाई, मेरे को लग रहा डर, वैसे भी तीन लोग थे, उसके घर वाले भी कुछ कह रहे होंगे यार। हाँ भाई यार, कहाँ गया ये लड़का भाई? से वहाँ तक जाना था यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इसमें, इसके अंदर मेरी मानो तो वहाँ तक और चल रहा है, देखने मिल जाएगी। ठीक है भाई, मुझे अब डर सा लग रहा है ये, अब से भाई अचानक से यहाँ से कहाँ गायब हो गया दोस्तों। अब ना मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे डर लगा, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई आज पहली बार फंस गया भाई इस चक्कर में, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ का एक गोंडा गायब हो जाएगा, और साला गायब हो भी गया, क्या करूँ, बहुत डर लग रहा है। काश हम अभिषेक की बात मान लेते, बाकी यार अभी ये क्या चीज है? अरे ये तो अभिषेक का फोन है। अबे यार ये अभिषेक का ना पक्का, क्या है 6 बज रहे? अच्छा भाई, अगर हम अभिषेक भाई की बात मान लेते हो ऐसा कुछ नहीं होता, अभी वो पता नहीं कहाँ पर है। हाँ, मैं मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उसके घर पे क्या जवाब दूंगा कि अभिषेक कहाँ गया। मैं उसे बताया कि आया था उस घर पे कि आंटी है अभिषेक जो मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ ही रहेगा, और अभी वो दिख नहीं रहा है भाई, बहुत बड़ी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी उसका फोन यहाँ पे मिला है ये भाई को, जैसे आप डिसन भी आप देख सकते हो, अभी ये नॉर्मल ठीक ठाक था अभी भाई। यार भाई दोस्तों आपको घर पे जाके ना सारी चीजें बताऊंगा कि मेरे साथ, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है अब भाई, मैं डर लग रहा है भाई बहुत, देखो ऊपर देखो क्या हो रहा है भाई, देखो भाई मैं क्या कहता हूँ, अब घर पे चलते हैं जो भी हो, पर यार घर पे तो चले, अभिषेक के घर पे क्या जवाब देंगे भाई? मैं बताऊँ पहले हमें खुद पहुँच जाते हैं सेफ्टी से, ठीक है? अभी हमें से क्या होगा, साढ़े क्या होगा, अभिषेक को नाम सुबह उसके घर पे चल के देखते हैं भाई ये क्या चीज है। तो गाइस अभिषेक तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम घर पे जा रहे हैं उसके घर पे चेक करते हैं अभिषेक घर पे है कि नहीं, तो हमें चलना चाहिए, हमारी जान को यहाँ मुझे लग रहा है खतरा है, डर भी लग रहा है, पर तुम्हारा भाई डरता नहीं है, समझ रहे हो? अरे बे भाई ये क्या है, अरे ये तो अभिषेक की टी शर्ट है, मां की कसम। तो दोस्तों हमको अभिषेक की टी शर्ट मिली है यहाँ पे पड़ी हुई, और फोन भी मिल गया। अब ना भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब से कैसे हुआ, किस साल में हुआ कुछ पता नहीं है। सुमित सुनना मेरी बात, मतलब जो हमारा भाई है शर्ट मिली, क्या हो सकता है, मतलब शर्ट भी मिलेगी तो फिर मतलब समझा नहीं, मतलब मैं क्या कहूं, अभिषेक को ढूंढना चाहिए, अभिषेक की जान खतरे में, अभिषेक को ढूंढना चाहिए। मेरी बात तो सुने, ऐसा ना भाई कोई पीछे ही पड़ गया उसके, मतलब सच में। हाँ मुझे लग रहा है वो मतलब उसके पीछे कोई पड़ गया यार, नशे वशे में तो नहीं था वो पहले से? अरे नहीं वो ड्रिंक नहीं करता यार, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है, माँ की कसम यार वो नॉर्मल रहता है बिल्कुल। निशान है क्या है, मतलब लाल में समझा नहीं। अरे यार इस पे
खून के निशान, ये पहले नॉर्मल टी शर्ट थी अभी थोड़ी देर पहले। माँ की कसम, भाई यार भाई शर्ट उठा पहले यार, क्या माहौल है भाई, सीरियस माहौल है सर। अभिषेक अभिषेक भाई अभी तो तू सही था यार एकदम, देखो क्या हो गया। हेलो अबे जिंदा होगा यार, तू इसे उठवा यार, मेरी मेरी सांस तो चल नहीं है इसकी भाई। भाई भाई उठे यार, क्या कर रहा है तू अभिषेक, अबे उठना उठ उठ यार, ये ज्यादा। हेलो पानी है तेरे पास, पानी? अरे यार इसकी यार मेरे को डर लग रहा है भाई, ये ओ भाई मैं क्या कहता हूं, इसकी जल्दी भाग यहां से निकलो यार, यहां भाई खतरे से खाली नहीं है जगह। ले जाएंगे कहां पे अबे यार, कहां पे ले जाएंगे, कहां पे इसको उठाओ उठाओ यार, इसको यार कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अरे भाई उठ गया यार, क्या कर रहा है, क्या चीज यार। अरे अब से उठ यार, हम कब से परेशान है आप, मैं तो इधर बता देखो हुआ क्या, हम अंदर गए उसके फिर तू गायब कैसे हो गया, मतलब समझ में नहीं आई मेरे अपने आप। भाई यार ये पेन वेन पकड़, भाई यार हम काश हम तुम्हारी बात मान लेते, नहीं कपड़े का भाई आज के बाद नहीं लाएंगे हम इसे। ये भाई टी शर्ट उठा, भाई खून कैसे भाई, बताइयो कोई पीछे पड़ गया तेरे, क्या हुआ भाई एकदम अचानक से? मेरा खून नहीं भाई। तो किसका खून? तुम्हारा खून नहीं है ये? नहीं मेरे, भाई यार ये तो नॉर्मल है। तो दोस्तों ये जैसे आप देख सकते हो यार, यहाँ पे तेरी कसम मम्मी की कसम, आज के बाद तेरे को लेके नहीं आऊंगा कहीं, साड़ा छोटे भाई बात तेरी मान लेते, नशे में यार गिर मत जाइए दोबारा से, दोबारा मत गिर जा, थोड़ा गिर मत जाइए यार प्लीज। भाई पकड़ रहा हूँ भाई, आ जा आ जा आ जा भाई, पकड़ ले हाथ पकड़ ले भाई, यार हमारा भाई परेशान है भाई बहुत, अभी आँख बंद रखती ठीक है भाई, डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर ले चले तेरे, गिर मत जाइयो यार तू अभी, क्या कर क्या रहा है तू भाई, भाई भाई प्लीज यार, क्या कर रहा है यार तू यार, ये बेर बेर गिर जाता है यार, क्या ले आया तू, एक तो मेरी मम्मी यार घर तो। हेलो दोस्तों, रात जो अभिषेक भाई के साथ में हुआ वो थोड़ा सा पर्सनल है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आपको वो सारी बातें जाननी जो रात अभिषेक भाई के साथ हुई तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको अगली वीडियो में वो सारी बातें बता दूंगा।